Hello, my tiny toddlers. Welcome to Deep Ball Kindergarten Cloudy Factory. Today, I'll be teaching you subject English, alphabet Z. So, my dear children, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे subject English, alphabet Z. So, take out your ample alphabet book, page number 36, alphabet Z. Capital Z, small Z. Now what is this? This is Z for zebra. Z for zebra. Z for zoo. Z for zoo. Z for zero. Z for zero. So my dear children, now what is this? This is Z for zoo. What do we do? What do we see in the zoo? हम जू में क्या देखते हैं? हम जू में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं, और बच्चों को शायद उनकी वन ऑफ फेवरेट चीज है जू में जाना. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज जेड फॉर जीरो. हम नंबर्स जो स्टार्ट करते हैं वो जीरो से स्टार्ट करते हैं, और कोई भी नंबर को जैसे 10, 20, 100, 200 इनको हमको एंड करना है तो जीरो के साथ ही एंड करते हैं. So zero is also a very important number. So my dear children, now let us see how to write alphabet Z. So for that, take out your English notebook, that is your four-line notebook, pencil and eraser. And for that, I'll be giving you 5 seconds. 5, 4, 3, 2, and 1. So shall we start, my dear children? Now as we have written all the alphabets in our four line, you already know, आप लोगों को पता है कि हमको four line में कैसे लिखना है. So अब हम क्या करेंगे? First line लेंगे एक sleeping line, फिर first line से third line तक हम लेंगे एक backward slanting line, और फिर third line पे हम लेंगे एक sleeping line. तो ये क्या हो गया? Capital Z. First line पे sleeping line, फिर बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन फर्स्ट टू थर्ड लाइन पे, और फिर स्लीपिंग लाइन. ये हो गया कैपिटल जेड. अब स्मॉल जेड हम क्या करेंगे? सेकेंड लाइन में हम लेंगे एक स्लीपिंग लाइन, फिर सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक हम लेंगे एक बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन, और फिर अगेन थर्ड लाइन में हम लेंगे स्लीपिंग लाइन. सो दिस इज स्मॉल जेड. लेट अस सी वंस अगेन. स्लीपिंग लाइन, बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन, अगेन स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन, अगेन स्लीपिंग लाइन. फर्स्ट लाइन में स्लीपिंग लाइन, फिर फर्स्ट से थर्ड लाइन तक बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन, फिर अगेन थर्ड लाइन में स्लीपिंग लाइन. दिस इज कैपिटल जेड. स्मॉल जेड के लिए हम सेकेंड लाइन में लेंगे स्लीपिंग लाइन, फिर सेकेंड लाइन से थर्ड लाइन तक हम लेंगे बैकवर्ड स्लैंटिंग लाइन, फिर थर्ड लाइन पे हम लेंगे स्लीपिंग लाइन. सो दिस इज स्मॉल जेड. स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन. कैपिटल जेड, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, दैट इज स्मॉल जेड. सो माय डियर चिल्ड्रन, हैव यू अंडरस्टूड हाउ टू राइट अल्फाबेट जेड, हाउ टू राइट कैपिटल जेड एंड स्मॉल जेड? आप लोग को समझ में आया कि आपको कैपिटल जेड और स्मॉल जेड कैसे लिखना है? सो व्हाट इज द होमवर्क फॉर यू टुडे? आज आपका होमवर्क क्या है? आपको आपकी फोर लाइन की नोटबुक में, दैट इज इन इंग्लिश नोटबुक, आपको कैपिटल जेड और स्मॉल जेड वन पेज लिखना है. राइट डाउन वन पेज ऑफ कैपिटल जेड एंड स्मॉल जेड इन योर इंग्लिश नोटबुक.